जी, रक्षाबंधन पिक जो है वो बाय का स्टॉक एचडीएफसी बैंक है। एचडीएफसी बैंक चार्ट्स पे बढ़िया दिख रहा है और ये एक पोर्टफोलियो की रक्षा करने वाला स्टॉक ही है। लॉन्ग टर्म में एक अच्छा रिटर्न देने वाला स्टॉक है और अभी मुझे लगता है कि ये स्टॉक एक साइडवेज कंसोलिडेशन के बाद अब यहाँ से एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ का दिखाने को तैयार है। 1625, 1630 इन लेवल्स के आसपास एचडीएफसी बैंक में खरीदारी करें। कोई भी डिप आता है तो लॉन्ग पोजिशंस इनिशिएट करें। 1600 इसका इमीडिएट शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिहाज से स्टॉप लॉस बनेगा, लेकिन इसको ट्रेडिंग के हिसाब से नहीं रखना है, इसको पोजिशनल नजरिए के हिसाब से रखना है, जिसका नीचे नीचे में मेजर सपोर्ट बनेगा 1575, 1570 के आसपास। अब यहाँ से ऊपर में पोजिशनल नजरिया जब पकड़ेंगे तो 6 से 12 महीने का नजरिया इसमें रखना है, जिसमें 1700 का इसका पहला टारगेट बनेगा, 1800 का इसका दूसरा टारगेट बनेगा। ये दो टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए एचडीएफसी बैंक में खरीदारी करें। यहाँ से एक अच्छा मूव आने वाले 6 से 12 महीने में देखने को मिलेगा। ऑलराइट, तो दिग्गज स्टॉक्स पर भरोसा आ रहा है, आईटीसी, कोफोर्ज, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, एचडीएफसी बैंक, कुछ बड़े पिक्स हमारे एक्सपर्ट्स आपके लिए रिकमेंड